नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं एक आसान सी रेसिपी बताऊंगी, जो जिसे दाल मखनी कहते हैं। दाल मखनी ऐसे तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगी जो थोड़ी सी अलग होगी। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे माँ की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल बोलते हैं। और इसमें एक कटोरी माँ की दाल और आधा कटोरी राजमा हम रात भर के लिए भिजो 7-8 घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर उसके बाद उबलने चढ़ा देंगे। खोलता हूँ, मत देख। इसे हम इस तरह से उबाल लेंगे। ये हमारे दाल पक गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप दूध डालेंगे। दूध डाल के थोड़ी सी हम उबाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, कढ़ाई लेंगे। इसमें दो चम्मच तेल डाल देंगे। हम हींग डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा, दोस्तों सब लोग प्याज के साथ में लहसुन और अदरक पीस लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं लहसुन और प्याज ग्रेट करके पहले तेल में डाल देती हूँ। थोड़ा सा सेक लेंगे जिससे इसका कच्चा स्मेल निकल जाए। इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। आप ऐसे बनाइएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे प्याज। एक बड़ा प्याज क्रश करके हमने डाला है। प्याज को हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये हमारे प्याज सिक गए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता और इससे कलर भी अच्छा आता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच, आधा चुटकी एक बार हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा के रखें और लास्ट में भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, बड़े टमाटर। टमाटर की प्यूरी। अब इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। 2 हरी मिर्ची हमने क्रश कर लिया है। हमारे थोड़े मसाले पकेंगे। थोड़ी सी तेल घी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया, लेकिन फिर हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे। ये हमारे मसाले सिक गए। अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। ये हमारे मसाले सिक गए। अब इसमें हम दाल डालेंगे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दाल का कलर आ गया है इसे। और आप चाहे तो लास्ट में हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे। दोस्तों हम इसमें जरा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने बहुत पहले उबलते वक्त भी डाले थे, फिर बटर रहे, इसलिए हम थोड़ा नमक कम ही डालेंगे। और मैंने कहा था कि आपको लास्ट में एक टिप्स बताऊंगी। लास्ट में टिप्स ये है कि आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए और अपना घर का पिसा हुआ मसाला हो तो उसको एक चिटकी डाल दीजिएगा। 1 चम्मच घी डाल दिया, हमारे दाल हो गए रेडी। थोड़ा सा गरम मसाला मेरे घर के पिसी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तीखी होती है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। ये हो गए हमारे रेडी। अब हम दाल को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे फाइनल टच दे देंगे, थोड़ी सी क्रीम हो।
गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड, लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट के जैसे दाल मखनी। फ्रेंड इसे बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बनी है। खा के अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, करना ना भूलिएगा फ्रेंड। बाय बाय, मिलते हैं हम फिर अगली रेसिपी।